हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुमित जालावड़िया। आज फिर से हम एक छोटा केस देखते हैं। केस एक लेडी का था, उसको डीप कफिंग की तकलीफ थी, खास करके विथ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। वो बोल रही थी मुझे पित्त जैसा हो रहा है और पित्त की वजह से मुझे खांसी की दिक्कत कई दिनों से ज़्यादा आ रही है, लेकिन लास्ट मुझे ये कंप्लेंट 2 साल से थी, लेकिन कई दिनों से वो बढ़ गई है और रुकी नहीं रही है। दिक्कतें क्या होती थी उनको, तो कि मॉर्निंग में उनको पित्त की वजह से खांसी आ रही थी, अगर वो कुछ भी खाती है तो उसको वोमिट हो जाना वगैरह जैसी दिक्कत थी, साथ में नोजिया, कई बार तो इतना ज़्यादा नोजिया आता है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। और जैसे वोमिट में उसको क्या निकलता है, तो बिल्कुल ही म्यूकस जैसा चिपचिपा चीज़ निकलता है, और उनको जो टेस्ट भी आता है वोमिटिंग में, वो बिटर या सावर जैसा रहता है। वोमिटिंग भी 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही थी। उन्होंने काफ़ी एलोपैथिक दवाइयाँ खाई थी, बट उनको उसमें कोई आराम नहीं आया था, ठीक है। और खांसी खा के उसको वो लास्ट 2 दिन से इतना बैक पेन, बॉडी पेन जितना हो रहा था, तो उसकी वजह से अब वो किसी रेफरेंस से हमारे पास आई थी। और कोई उसको कोई दिक्कत नहीं थी। पास हिस्ट्री में वायरल फीवर था 1 साल पहले, और बैकएक की भी कंप्लेंट रहती थी, लेकिन फिजियो से उसको काफ़ी आराम रहता था। फिजिकल जंगल्स में बहुत खास कुछ था नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि थर्मली हॉट था, थसलेस पेशेंट थी, और फास्टिंग से उनको अभी अभी ऐसा हो रहा है जैसे हेडेक की कंप्लेंट होना। फिर हाँ, एक नॉइज सेंसिटिविटी में एक ऐसी चीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी नॉइज होता है तो उसको इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। वो अभी से होने लगा है, जब से खांसी बढ़ी है, जब पित्त की दिक्कत है, ज़्यादा बढ़ने लगी है। और उसके साथ साथ अगर सांस लेने में भी दिक्कत आती है, अगर कोई अच्छी या कोई भी खराब सुगंध आती है तो उसको तुरंत ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ट्रैवलिंग में कार सिकनेस भी होती है, और नींद में भी उसको खांसी की वजह से नींद बार बार टूटती है, और उसकी वजह से उसको बार बार दिक्कतें होना शुरू हो जाती है और नींद अच्छे से हो नहीं पाती है। लाइफ हिस्ट्री में कुछ खास था नहीं, उनको 2 साल हुए थे मैरिज को। उनकी दिक्कत ऐसी थी कि भी मैरिज के पहले हमें लाइफ बहुत बिंदास थी, आराम थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अगर हम 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, काम का कोई टेंशन नहीं था। मैं जॉब कर रही थी, अभी वो किसी वीज़ा कंसल्टेंसी में जॉब कर रही है। तो शादी के बाद क्या हुआ कि शादी के बाद यहाँ पे आए तो उसकी एक देरानी है, एक जेठानी है, और उसके फैमिली में सभी को बैकएक की कंप्लेंट रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शादी के बाद तुरंत ही सारा काम का लोड इस पे आ जाता है। उसको क्या रहता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मुझे इंस्टेंट क्या हो रहता है कि डर रहता है, एंजाइटी रहती है कि भाई काम कब ख़त्म होगा, शुरू होगा कि नहीं होगा। मेरा वो इतना रेस्टलेस जीव है कि मुझे कैसे है कि काम ख़त्म हो जाए टाइम पे वगैरह सब कुछ, ये होगा नहीं होगा, मैं टाइम पे उठ पाऊँगी नहीं उठ पाऊँगी, तो ये सारा दिक्कतें रहता था। अगर उसको रहता था कि अगर टाइम काम टाइम पे नहीं हुआ तो कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या होगा, ऐसे कोई उसको बोलता नहीं था, फिर भी उसको ऐसा रहता था। उसको क्या रहता है कि मेरा रिएक्शन बहुत इंस्टेंट हो जाता है, मैं किसी चीज़ को सोचती नहीं हूँ। अगर मेरे पास कितना भी नॉलेज है लेकिन उस टाइम पे वो काम नहीं आता है, मेरा इंस्टेंट ही रिएक्शन हो जाता है, मैं इंस्टेंट इमोशनल हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ ऐसा। और सिचुएशन में इनिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं होती, उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सब सारी दिक्कतें ज़्यादा थी। और सब कुछ जो भी काम करती है बहुत फटाफट हो जाना चाहिए, उसका गुस्से वाला नेचर है, लेकिन वो अभी 3-4 साल से बड़ा हुआ है, ये पित्त वाली दिक्कत की वजह से उसको ज़्यादा लग रहा है कि मेरा नेचर थोड़ा बढ़ गया ऐसा गुस्से वाला। हाँ, और वो छोटी छोटी बातों पे उसको इरिटेट हो जाना, ये सब बातें ज़्यादा रहती है। हस्बैंड के साथ और कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली वालों के साथ और कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आने के बाद उसको सिर्फ यही रहती है कि पहले मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अभी वो ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से थोड़ा रहता है टेंशन चिंता वगैरह, बाकी और कोई नहीं है। बाकी वो उसको ऐसा रहता है कि मैं कोई भी चीज़, कोई भी इमोशन छुपाना चाहती हूँ तो वो छुपा नहीं सकती, और उसकी वजह से मुझे वो कहते हैं ना कि हर्ट जल्दी से हो जाता है। ये सारी दिक्कत रहती है कि मुझे डर रहता है कि कोई मुझे जज करेगा कि
कुछ बोलेगा वगैरह सब कुछ, ये सारा डर रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सारा इतना ही केस था, छोटा सा एक केस था। तो हमने उसमें से सिंपली लिया है कि लाइफ में उसको पेन कब हुआ, दिक्कतें कब स्टार्ट हुई, तकलीफ कब हुई। तो कफ की दिक्कत भी 2 साल से थी, और जो इनकी उनकी लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट भी आया था वो भी 2 साल से ही था। तो अभी देखते हैं हम कि पीठ क्यों होता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस क्यों होता है, क्योंकि इनडाइजेस्टिबल मोर्सल क्या था इनकी लाइफ में, इनडाइजेस्टिबल मोर्सल। तो क्योंकि उनकी शादी होने के बाद उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जो पहले नहीं थी। मैं वीक हूँ इसलिए मुझे वो ज़्यादा लग रही थी, तो उन्होंने ये एग्रावेट कर दिया। फिर मेरे जैसे 3 लोग और भी थे बैक पेन वाले, तो वो तो काम करने ही नहीं वाले थे, तो और बढ़ गई, तो और ज़्यादा हो गया। तो मेरा एक तो नेचर था हरीड वाला, फायर वाला, उतावलापन, तो रेस्टलेसनेस, वो तो यहाँ पे आ गया और बढ़ गया। उन्होंने वो नेचर को और बढ़ावा दे दिया, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सही से नहीं निभाई तो लोग मुझे जज करेंगे, तो मैं इमोशनल हूँ, तो मेरा और रिएक्शन बढ़ गया। इस और एक और उनका डिस्पोजिशन था कि उनको छोटी छोटी बातों पे बहुत हर्ट हो जाता था। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रावेशन, रिस्पॉन्स डेल्यूजन फायर। फायर क्यों, कि उतना हरिडनेस रेस्टलेसनेस वो क्लिनिक पे भी दिख रहा था, तो वहाँ से भी एक रूबिक ले लिया। फिर उनकी बॉडी में भी यही दिख रहा है कि बर्निंग होना, पेट में पीत होना वगैरह सब, ये फिजिकल ये मेंटल सिम्टम उनको बॉडी पे भी दिख रहे थे, तो वो भी लिया। ट्राइफल एलिमेंट उनका डिस्पोजिशन लिया, और जो वो हमारा क्लिनिक में उसका प्रेजेंटेशन था कि सारी उंगलियों में फिटी पहन के आई थी, रिंग्स पहन के आई थी, तो और इतना सज धज के आई थी। तो मैंने यहाँ से सिंपली लिया कि वो वैनिटी रिप्रेजेंटेशन में है। तो यहीं से हमने रूब्रिक लिया और एक फिजिकल रूब्रिक ऐड किया, वोमिटिंग बाइल कफ ड्यूरिंग, और सिंपली हमने उनको पल्सेटिला दिया। पल्सेटिला कैसे दिया था, 200 का डोज दिया था, 1 लीटर की एक बोतल लेना है, उसमें 20 ड्रॉप डाल देने हैं, और हर घंटे में उसमें से एक घुट लेना है, एक सिप लेना है। ऐसे 3 दिन करने के लिए भेजा था, लेकिन 2 दिन में उसका फॉलोअप आ गया कि उनको 2 दिन में 80% बेटर है, रात में नींद भी अच्छी आती है, बैकएक की कंप्लेन है लेकिन कल से काफ़ी बेहतर है, नोजिया की कोई कंप्लेन नहीं है, और पेन भी बॉडी पेन भी है वो थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार वोमिटिंग हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं गई है, तो काफ़ी हद तक उनका फॉलोअप बेटर है। तो आप देखो कि केस अंडरस्टैंडिंग और जो सिम्टम्स आ रहे हैं सिर्फ आप उनको भी मैच करोगे तो भी काफ़ी हद तक सिंपली वैसे एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होकर भी हमारा केस निकल जाता है। तो एक ये छोटा सा केस था पल्सेटिला का, ऐसे ही हम केस रिप्रेजेंट करते रहेंगे। अगर हमारा केस प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है केस के रिलेटेड और कोई भी केस के रिलेटेड, तो भी आप हमें कमेंट करिए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के। धन्यवाद।